होंगे। और आज संडे है और संडे के दिन ही अधिकतर मुझे टाइम मिलता है कि मैं आप लोगों से अच्छे से आराम से बैठ करके बात कर पाऊँ। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी लंच और शाम का, जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर के भी बाहर के भी, और बच्चों का होमवर्क वगैरह भी देखना रहता है। तो आप सब कैसे हैं और संडे कैसा चल रहा है कोरोना के टाइम में? हमारा संडे तो घर पे ही निकल जाता है, कहीं घूमना तो बहुत दिन से हो नहीं पा रहा है। बस मम्मी के घर गए थे, वहाँ भी बच्चों की तबीयत, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो हम लोग ब्लॉग बना नहीं पाए और मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवा नहीं पाई और वहाँ का कुछ दिखवा नहीं पाई। बस पूजन वाले दिन का ही मैंने दिखाया था, और उसके बाद जब बच्चों ने बाहर का पानी पिया तो फिर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो फिर मैं बता नहीं पाई आप लोगों को, वीडियो वगैरह बना नहीं पाई। तो जब भी अब मैं मम्मी के घर जाऊंगी तो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, और वहाँ का रूटीन भी मुझे शेयर करना है। और चीज़ें तो हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बनाई और खाई, और लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, बट इस बार जाऊंगी ना तो पक्का आप लोगों के साथ सब कुछ अपना शेयर करूंगी वहाँ का। और आप लोग कैसे हैं? और हाँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। और हर काम की शुरुआत जीरो से ही होती है, बट आप लोगों के जैसे दोस्त हों अपने पास में तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। आप लोग मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे वीडियोस जो सबसे पहले देखते हैं और जो लोग मुझे लाइक करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सभी लोग जो हैं सबकी हेल्प करेंगे तभी सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे, और यही मेरी सोच है और यही मैं सोचती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं ये मुझे बताइएगा। और करवा चौथ स्पेशल के लिए मैंने जो है अपना बैंगल कलेक्शन आप लोगों को दिखाया है, प्लीज़ जा कर के देखिएगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और क्या चल रहा है आप लोगों के इधर? आज मैं लंच में क्या बनाऊंगी? आज मैं लंच में बनाऊंगी कंदूरी की सब्ज़ी आलू के साथ में, आलू टमाटर के साथ में, और टमाटर प्याज हरी मिर्च की चटनी, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और संडे के दिन कुछ स्पेशली बनाने का मन करता है, बट बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज़्यादा स्पाइसी खाना हम लोग बना नहीं रहे हैं, और ना ही ज़्यादा ऑयली। और क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो, खास करके सर्दी जुकाम से, तो वैसे भी बहुत डर लगने लगा है। और बच्चों को मेरे को बेटे को मेरे को बुखार हो गया था, इसके बाद मैं उसको डॉक्टर के पास दिखा करके आ गई और ठीक भी हो गया है उसका, और बेटी को भी जुकाम हो रहा है, तो अभी दवाई वगैरह ले ली है उसके लिए, क्योंकि ऐसा कोई डर था नहीं, क्योंकि हम लोग घर से बाहर कहीं गए नहीं मम्मी के इधर भी, और ना किसी का आना जाना हुआ। तो जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कहीं ना ले जाऊँ, घर पर ही रखूँ, तो आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को घर पर रखें, सुरक्षित रहें। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बहुत हो गया है घर में रहते हुए, पागल हो गए हैं, बोर हो गए हैं, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, बाहर का कुछ खा नहीं पा रहे हैं। तो उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि मम्मी घर चली जाती हूँ, बहुत दिन हो गया है, बट अब मैं बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम में हम लोग बच्चों का ध्यान तो रखते हैं बट कब क्या हो जाए वो किसी को समझ में नहीं आता है। और हम अपनी तरफ से तो सारा ध्यान रखते ही हैं, चाहे कोई भी हो, बच्चों का सभी लोग ध्यान रखते हैं। और ये देखिए बेटा जी आ गए हैं, बोलो हेलो, कैसे हैं आप सब? और इनको वीडियो में आने का बहुत ज़्यादा शौक है, और जब भी कोई मुझे सब्सक्राइब करता है तो ये उनका नाम और सब कुछ पूछते हैं और बोलते हैं मम्मा मुझे बताइए ना किसने सब्सक्राइब किया है, किसने कमेंट किया है। तो ये देखिए आ गए हैं, और इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब ठीक हो गई है, नानी के घर से भी आ गए हैं, काइट उड़ा उड़ा के मासी के साथ में। और जितने दिन नानी के घर में रहते हैं ना, उतने दिन नानी और सब लोग बहुत खुश होते हैं, इनको नानी के घर बहुत अच्छा लगता है। और ये तो आने के लिए दोनों बहन भाई तैयार ही नहीं थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, नानी के पास ही रहेंगे। मैंने बोला कि आप लोग मम्मी को तंग कर दोगे, बहुत शैतानी करते हैं, वैसे तो मम्मी की बात भी मानते हैं मेरे दोनों बच्चे, बट फिर भी मैंने सोचा कि इस टाइम में वैसे भी ऐसा मौसम चल रहा है, और वैसे भी इन लोगों को हल्का हल्का बुखार हो रहा था, जुकाम होने लगा था, तो ये तो आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसको बहुत मज़े आ रहे थे। और इसने क्या क्या किया बताओ? मैंने तो नानी के बहुत सारे मज़े किए, और हमारे छत पे एक पतंग आई थी, वो भी उड़ी मैंने, और मासी के साथ पतंग भी उड़ाई, और आपने हमारी बैरा बाबा वाली मीठी भी देखी होगी, हम लोगों ने वो मीठे वाले चावल भी खाए, लड्डू भी खाए, प्रसाद भी खाए, और पूड़ियाँ भी खाई, और दाल भी खाई। इनको तो बिल्कुल मन नहीं होता नानी के घर जाने के बाद फिर आने का, तो मैं इनको ज़बरदस्ती लेके आई और मैंने बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं आपको छोड़ दूँगी नानी के इधर, पर रहना उनके पास में।
और घर में भी उनके में काम चल रहा था, तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा मैं इनको जल्दी लेकर के आ गई। और इसको वीडियो में आने का बहुत ज़्यादा शौक है, और ये बात भी फिर जब मैं वीडियो डाल देती हूँ या बना देती हूँ ना, तो बहुत बार खोल खोल के देखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे किस किस ने देखा। और आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, और संडे का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या बोलना है आपको? मेरे को बोलना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए करा करें, और लाइक भी कीजिए करें, और कमेंट भी। और ये जब दिखा करें तब तो आप पक्का लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में वो बेल है ना, उसको भी दबाइएगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा, है ना, ताकि हमारा जो न्यू वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए छोटे उस्ताद ने आपको समझा दिया है अच्छे से, आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊँगी उतने अच्छे से वो समझा देंगे आपको। और चलिए तो चलते हैं, आज लंच में क्या बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए कंदूरी को मैंने, आलू और कंदूरी को दोनों को चौकोर पार्ट में काट लिया है। इसकी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। और ये देखिए मैंने तड़का भी इसमें लगा दिया है, प्याज हरी मिर्च और टमाटर का इसमें मैंने तड़का लगाया है। और इसको थोड़ी देर भूनने के बाद में हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, और इसके बाद डालेंगे इसमें कंदूरी। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, बस इसमें जो पकने में है ना थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि ढक के हमको इसको पकाना होता है, पानी का यूज़ इसमें होता नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने इसको मिला लिया है देखिए, और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है सब्ज़ी, खास करके जब आपको ज़ुकाम हो ना तो आप कंदूरी की सब्ज़ी खाएँ, वो बहुत फ़ायदा करती है ज़ुकाम में। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैंने डाल के इसको चला लिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने चौकोर चौकोर कट किए थे। इसमें मैंने आधा के जी करूंदी कंदूरी ली है, बोलने में जीभ ऐसे हो जाती है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, और अब हम इसको चलाएंगे, और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। जो 5 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे ना, तो थोड़ा बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे देखते हुए। और देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी टेस्टी लग रही है, और ये बन करके तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा धनिया जो था वो मैंने डाल दिया है, मैं थाली लगा के आपको बताती हूँ। तो ये देखिए टमाटर प्याज हरी मिर्च की चटनी, ये चटनी भी मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा कर के देखिएगा। और ये देखिए मेरी संडे की थाली जो है। तो लंच हमारा हो गया है, और लंच में मैंने क्या क्या बनाया वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही, पहले ही मेरी बहुत बातें हो गई हैं, और ये वाला वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, और मैं कोशिश करूँगी इतने छोटे वीडियो में ही सारा कुछ बताने का। और बिटिया भी मेरी सो गई है दोपहर के खाना खाने के बाद में, तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा बाहर घुमा के मैं लाती हूँ। बाहर ना अजीब मौसम हो रहा है बारिश की जैसे, और जबकि दोपहर हुई है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो गई है। तो चलिए आपको मैं घुमा के लाती हूँ बाहर, और दिखाती हूँ कि कैसा क्या हो रहा है हमारे इधर, और आप लोग कैसे हैं ये मुझे बताइएगा। अभी ना बारिश का मौसम चला गया है, फिर भी अजीब सा मौसम होता है, ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं बारिश होगी क्या होगा। तो देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं, अच्छा लग रहा है वैसे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग बोलेंगे कि जब भी दिखाती हैं हम लोगों को फूल ही दिखाती हैं, देखिए इतना अच्छा लग रहा है, दो डाली इधर निकली हैं, दो इधर, देखिए। तो बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं ना कि इनको तोड़ते नहीं हैं, बाहर फूल लगे हैं इनको, और ये बच्चों की आदत मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और इस तरीके से देखिए नेचुरल फूल वगैरह कितने अच्छे लगते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो तो हम लोग लगाते ही हैं, बट ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। लंच रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ, और इसके बाद में बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको दवाई वगैरह देनी है, और मुझे पढ़ाई का भी बहुत काम होता है ना कि क्योंकि घर के काम के साथ साथ मुझे पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ अपने रूटीन जो है शेयर करती हूँ, और जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और बाहर आ गई हूँ मैं, देखिए। तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।